माता पिता परमात्मा पति सेवा गुरु ज्ञान। माता पिता परमात्मा पति सेवा गुरु ज्ञान। अरे इनसे रिल मिल चालिए वो नर चतुर सुजान। सही सुखी थन चाहो तो अपने माता पिता की सेवा करो। जिसने माता पिता की सेवा की तीर्थ व्रत किया न किया, माता पिता ना नमस्कार करने से चार फायदा है। केड़ा? आयु विद्या यश और बल। जेको माता पिता ना नमस्कार कर से वोरी उम्र वध से, वोरी तैली मत से, वोरी अकुल वध से, और जस दुनिया में थी से। जेको अपने माता पिता की सेवा कर से। पर अज कान वो थे गयो है जियरे पिता सान दंगम दंगा मरे पिता पहुंचाए सो गंगा। जय श्री राम। यो हाल तने इंसान दुखी है। पानी री मर्यादा गई पानी गयो, खीर री मर्यादा गई खीर गयो, अनाज री मर्यादा गई अनाज गयो, माता पिता री मर्यादा गई तो बरकत गई घर में। कराची भर में समुंड है, वो जकिन मर्यादा छड़े थे के दी में कराची ना बोड़ सके तो, पर वो पानी में मर्यादा है। अजरे इंसान मर्यादा छड़ी वेर करे दुखी है। माता जैसा मंदिर नहीं और पिता जैसा धाम। माता जैसा मंदिर नहीं रे पिता जैसा धाम। अरे गुरु जैसा तीरथ नहीं कहते वेद पुराण। वेद पुराण कहता कि भाई माता रे बराबर कोई मंदिर कोने जे माता जन्म नु वो अजा सने मानु हिंगलाज भी जाए पिया हरिद्वार सब कुछ जाए पा, पर जे माता जन्म नु ओ जे राजी है तो सने हिंगलाज भी सफलता है, हरिद्वार भी सफलता है, सारद्रो भी सफलता है। जे माता नाराज है तब वो रो घोए कोई प्राप्ति कोने। तो ये करे जे माता जन्म नु है ओ राजी है, सब माता राजी है। माता जैसा मंदिर नहीं और पिता जैसा धाम। गुरु जैसा तीर्थ नहीं कहते वेद पुराण। माँ को देखो तो बेटे को कितना लाड लुड़ाती है। माँ को देखो तो बेटे को कितना लाड लुड़ाती है। नौ मास गर्भ में रखती अपना दूध पिलाती है। माता नौ महीना बारखन आप खीर पिया रहे। खुद सोती है गीले में सूखे में उसे सुलाती है। बालक रे पेशाब ते माता सुअर बालक ने सुखी जगह ते सुवारे। खुद सोती है गीले में सूखे में से सुलाती है। मल मूत्र धोती है सदा और बलहारी उस पे जाती है। गंद धोए साफ करो तो बलहारी जाए पे। ऐसी माँ को जो नर त्यागे वो पुत्र नरक का जामी है। ऐसी माँ को जो नर त्यागे वो पुत्र नरक का जामी है। पुत्र नहीं कपूतर है कहलाता दूध हरामी है। इस संसार में आकर जो इंसान अपनी माँ बाप का न हुआ वो यहाँ का हुआ न वो वहाँ का हुआ। ये दुनिया में आया करे जो इंसान माता पिता की सेवा न कर से वो इतने सुरान वक्त सुरान। पिंडाल में सवाल कर तो भाई कहीं ईश्वर इठो है अदा हिता आप ही 100-150 200 मान बैठा है। अब आके ईश्वर इठो है तो है कहीं निजी छोकरे के बाद मुंह ईश्वर इठो है। अब तो ईश्वर कींटो है किसे ईश्वर पैदा कंदड़ है। अब पैदा कंदड़ है तो माता पिता पैदा कंदड़ मां जला माता पिता ईश्वर है। एड नी सा देठो वर बेड़ा पार थे गया बीजा लुड़े गया। उस्ताद कहो शागिर्द ना शागिर्दा ना कहो शागिर्दा ना ते भाई अभी सुगुरो स्वर्ग री मिट्टी ले आया। तो शागिर्दा कहो भाई स्वर्ग री मिट्टी स्वर्ग जात मानु मरे स्वर्ग जाए वो मिट्टी लाए उस्ताद अलग केड़ी गुजात नहीं है। बेडिया शागिर्द गया उस्ताद बा कहो बचा स्वर्ग री मिट्टी ले आया हो तो एक छोकर के बाऊ स्वर्ग री मिट्टी ले आई। बस स्वर्ग री मिट्टी तो के लाए कि माता रे चरणा में स्वर्ग है और माता रे चरणा में मिट्टी ले आई स्वर्ग री मिट्टी। तो सही एड़े नमूने जे माता पिता की सेवा कई हमारा बेड़ा पार थे गया हमारा नाम अमर थे गया। पेरियो सुधरणो डाको माता पिता की सेवा। जे कने माता पिता की सेवा न करसे तो वो औलाद ओड़ी सेवा करसे।
जेड़ी नियत तेरी मुराद जय श्री राम जेड़ी करनी तेरी भरनी जे माता पिता री सेवा असी करसू तो असा जो औलाद करसे असा नी सेवा जे असी माता पिता री सेवा ना करसू तो ओ भी एड़ी करसे जय श्री राम ये देने हत लेनिया ते येर करे असा ना आपरे घरो माहौल सुधारण खपे वे में रोजानी सुबह शाम बटे मसा ना लाजमी सिंध्या करण खपे भगवान समण करण खपे असा जे बालक ना सुठा संस्कार देण खपे तो बाबा माता पिता री सेवा करो वडारी नमस्कार करो आपरे धर्म ना सुणाणो धर्म ना धारण करो जैसे घर में सिंध्या न कई मालिक समण न कयो तो वो सो माहौल खराब थे करे वो नतीजा खराब निकरेंदा येर करे असानी वन वेंती है कि आपरे घर में पाए नियाणे वडा डंडा सब गजे सिंध्या रे टाइम ते लाजमी दी नथे का पछे सिंध्या करो तो मालिक दया करसे हो जिस माता ने हमको जन्म दिया दिल्ली उसका दुखाना ना चाहिए हो जिस माता ने हमको जन्म दिया दिल्ली उसका दुखाना ना चाहिए ने हमको पाला है उसे कभी सताना ना चाहिए जिस पिता ने हमको पाला है उसे कभी सताना ना चाहिए उसे कभी सताना ना चाहिए उसे कभी सताना ना चाहिए जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए कितनी लाडली हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए उसे घर घर घुमाना ना चाहिए उसे घर घर घुमाना ना चाहिए जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए चाहे भैया कितना बेरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए चाहे भाई कितना बेरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए चाहे
सी इस संसार में चार वस्तु है सार, लेने को हरि नाम है और देने को अन्नदान, लेने को हरि नाम है और देने को अन्नदान, और तरने को आधीनता और डूबने को अभिमान। बुलाना ना चाहिए, कितनी गरीबी आ जाए।